हमारा भाई है। नई रोशनी आई है। मुस्लिम हमारा भाई है। नई रोशनी आई है। मुस्लिम हमारा भाई है। नमस्कार, मैं संकेत और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ MNTV के फेसबुक लाइव पर। आज हम दिल्ली के रामलीला मैदान पर है, जहाँ पर संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा 2 अप्रैल के भारत बंद स्मरण दिवस और साथ में ही बहुजन शहादत दिवस रामलीला मैदान पर मनाया जा रहा है संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस रैली में इस शहादत दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए, कहाँ से आप? हम साबरकांठा गुजरात से। और क्यों आए यहाँ पर, क्या है? हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती, सामूहिक जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा हुआ है रामलीला मैदान दिल्ली में, इसलिए हम आए। और संविधान बचाने का जो एजेंडा है, EVM हटाने का जो एजेंडा है, इसका हम पुरजोश विरोध करने के लिए आए हैं यहाँ। बोल 85, बोल 85, संविधान जलाने वाले को, संविधान जलाने वाले को, महिलाओं के बलात्कारियों को, बोल 85। और आप, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम सोमक सिंह पटियाला, पंजाब है जी। अच्छा, ये आपने कुछ हुआ है, क्या है ये? मतलब ये आज तक जो 70 साल में हुआ है वो है, घपले, कब्जे, लूट लेना देश, सब बाहरले देशों में पैसा धर देना, और हमारे लोगों के जो एजुकेशन थी, रोजगार था, वो सारा नष्ट कर दिया। उस विरोध के लिए हमने ये छाती के ऊपर लगाया है। ये संविधान बचाने की बात हो रही है बार बार यहाँ पर, तो संविधान किनसे बचाना है, क्या है, कहाँ खतरा है संविधान, किनसे बचाना है संविधान? मनुवादियों से बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि वो संविधान चलाते हैं खुलेआम, और संविधान से लड़ते हो। अच्छा, कौन है? जी, मैं उजियार से लोधी हूँ, दमोह जिला से हूँ। जो हमारा मध्य प्रदेश, जो हमारा संविधान सड़ेआम जलाया जा रहा है, जो इसी जंतर मंतर पर 9 अगस्त को सड़ेआम जलाया गया था, किसी के शासन प्रशासन ने आज तक ये नहीं किया, ना किसी मीडिया पत्रकार ने, किसी संविधान जलाया जा रहा है। और जो हमारा संविधान है, बाबा अम्बेडकर ने हक अधिकार दिया है, मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि संविधान जब तक संविधान है जब तक देश है। जो मनुवादी व्यवस्था लागू हो रही है, मैं इसको खत्म करने के लिए ये मंच लगाया है। और जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा, और जो हमारे जो 2018 में भारत बंद किया गया था, उसमें हमारे 11 लोग मारे गए थे, इसलिए हम आज भारत 13 लोग मारे गए थे, इसलिए संघर्ष समिति द्वारा आज उनकी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं सभी दूर दूर से आए, सभी उनकी श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं जी। ये EVM का भी एक बहुत बड़ा इशू है, और जिस पर यहाँ पर आज बात होने वाली है, ऐसी चर्चा है, तो EVM पर कौन आप में से बात कर सकता है कि क्या EVM का मामला है, क्या है? EVM में EVM मशीन के घोटाले की वजह से ये लोग, कहाँ बीजेपी सरकार आई है, और ये जो है गलत
से वोट डालो आप किसी की और जाती है सबसे बीजेपी पर। इस विरोध में हमने कई बार धरना प्रदर्शन में राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है और इसका हम विरोध करते हैं। अब की बार अगर इसको नहीं हटाया गया तो हम ईवीएम को तोड़ेंगे और इसलिए हमने जंतर मंत्र पर भी भाई सतीश बोध जी ने भी और संघर्ष ये बताओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर पर भी आज हम रामलीला ग्राउंड में आए हुए हैं। सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये जब तक ईवीएम नहीं मशीन नहीं हटाई जाएगी जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और नहीं तो इनको हम तोड़ेंगे अगर अब की बार ये लगाई गई तो ईवीएम, क्योंकि ईवीएम पर विश्वास नहीं है, अब उस पर भरोसा नहीं है भारतीय जनता को। और क्यों नहीं करा एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखो एक बार, पूरे देशों में विश्व में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है लेकिन भारत देश है ईवीएम क्यों? क्योंकि इसमें चोरी होती है, गड़बड़ी होती है और हमारी वोट कीमती वोट बाबा साहब का जो अधिकार हमें वोट का अधिकार दिया गया था उसको ये चोरी से राजा बने हैं, चोरी से वोट चुरा कर हमारी जो है जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जो ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। सभी साथियों से हमारी पुरजोर अपील है अगर जब तक तो ईवीएम मशीन नहीं हटाए चुनावों में अगर ईवीएम मशीन लगाई जाए तो अपने अपने क्षेत्र में मशीनों को तोड़ना है और बैलेट पेपर से चुनाव कराना है। जय भीम जय भारत। ईवीएम मशीन को तोड़ने की बात तो खैर संविधान बचाओ संघर्ष समिति के मन से नहीं की गई है लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, आचार संहिता लागू है, फिर भी मैं हम लोगों से बात करेंगे कि 2019 में खासकर बीजेपी को लेकर उनकी क्या राय है, क्या बीजेपी फिर से आएगी या कुछ नहीं? बीजेपी नहीं आएगी। मैं भारतीय युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अंगद मौर्य हूँ और इस समय जो चुनाव का माहौल चल रहा है उस हिसाब से पूरे देश में बीजेपी हार रही है लेकिन अगर मशीन रहेगी ईवीएम मशीन रहेगी तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है और चुनाव आयोग अभी आनाकानी कर रहे हैं कि पर्ची को गिनती कराया जाए, ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है कि ईवीएम से चुनाव पारदर्शी निष्पक्ष और मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए उसमें वीवीपैट मशीन लगाई गई है लेकिन वीवीपैट मशीन लगने की वजह से चुनाव आयोग को अगर निष्पक्ष पारदर्शी मुक्त चुनाव कराना है तो जो पर्ची निकलेगी उसकी मतगणना 100% करना होगा लेकिन चुनाव आयोग ऐसा जवाब दे रहा है कि जो गिनती है गणना है उसका समय 6 दिन तक। तो ये मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की इन्होंने बात कही। चुनाव में हर साल हम देखते हैं कि धनबल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, शराब बांटी जाती है, पैसे नकदी बांटे जाते हैं, जेवरात बांटे जाते हैं, इस पर लोगों का क्या कहना है? हम बात करेंगे इनसे कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रहा है वो मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं करवाता, वो धनबल का प्रयोग जो है चुनाव में काला धन जो इस्तेमाल होता है उस पर रोक नहीं लगाता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा नाम अर्जुनेश कुमार है, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी इटावा उत्तर प्रदेश हूँ। साथ ही अगर चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान में वह स्वतंत्र है लेकिन ये देखा जा रहा है कि भारत के 71 सालों में भारत में चुनाव आयोग एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां हैं कांग्रेस बीजेपी, वो ये जानते हैं कि हम सत्ता में नहीं आ सकते। जब मानवर कांशीराम नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा तो ये कांग्रेस ईवीएम को लेकर आए क्योंकि ईवीएम और तमाम ये दंगा फसाद कराते हैं और ये सारे षड्यंत्र रचते हैं धर्म और जाति के नाम पर, इस सत्ता में आने के लिए सारे काम करते हैं। साथियों ईवीएम से ये बात है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। मेरा सवाल है कि धनबल का जो उपयोग होता है, काला धन का जो उपयोग होता है चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसे रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसके लिए तो जन आंदोलन ही एक विकल्प है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट क्या और सभी लोग ये सब मिले हुए हैं सारे मामलों पर, बात ही है। जी बिल्कुल। मैं हमारे साथ महिला है, आप कहाँ? मैं गुजरात से अरावली जिला से आई हूँ, मेरा नाम नैना बेन है। और क्या है यहाँ पर, क्यों आए आप यहाँ पर?
हमें संविधान बचाओ संघर्ष के लिए यहाँ आए हैं, संविधान बचाने के लिए, और ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे चुनाव करना है, इसलिए आए हैं। मोदी जी ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने 5 साल के कार्यकाल में अटेंड नहीं की है, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित नहीं किया है, तो जनता के मन में मोदी जी के लिए बहुत सारे सवाल है। हम लोगों से जानेंगे कि अगर उनको मौका मिलता है मोदी जी को सवाल पूछने का, तो वो क्या सवाल पूछेंगे? मैं बताना चाहूंगा, मैं जिला अमरासी, मैं सरुण कुमार बात विशेष बहुजन मोर्चा पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं मोदी जी को कि जो ये पाखंडवाद और ये अज्ञानता फैला रखी है इसे दूर करें और ईवीएम को न चलाएं, जिससे कि हमारे में जो मनोवादी हैं वो जागृत हैं। ईवीएम को लेकर जो है वो सारे लोग बोल रहे हैं, मेरा सवाल है कि अगर उनको, लोगों को, भारतीय जनता को अगर मोदी जी से सवाल पूछने का अगर मौका मिले तो वो क्या सवाल पूछेंगे? सर, मैं मोदी जी से सिर्फ ये बात, मैं सर बरेली से हूँ, उत्तर प्रदेश कुमार है मेरा नाम है सर, विद्यार्थी मोर्चा का मैं महासचिव हूँ। सर, मोदी जी से मैं सिर्फ पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि आपकी समय से सर हमारा संविधान भी खतरे में है, जबकि आपको संविधानिक तरीके से संविधान का आपको मतलब रक्षण करना चाहिए, और आपने संविधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, जिसमें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी ओनर जो जज हैं उन्होंने भी लोग आकर हमको बताया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। तो सर ये सब चीज़ें हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और मोदी जी से यही सवाल है, आप बाबा साहब जी को नाम पर हमारे बहुजन समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं सर, वो भड़क जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए, हमें जागृत होना चाहिए कि हमारे बहुजन समाज को मनवादी मानसिकता के लोग कैसे हमको दुरुपयोग कर रहे हैं हमारे साथ। मैं सर यही कहना चाहता हूँ, ये मेरा प्रश्न है। सर, मैं कानपुर नगर से विक्रम वाल्मीकि हूँ। मेरा मानना है कि जिस तरह बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, उस तरह हमें ईवीएम का दहन करना चाहिए। मनुस्मृति ने हमें हजारों सालों तक गुलाम बनाकर रखा, आज हमें ईवीएम गुलाम बना रहा है, तो इसलिए हमें ईवीएम को तोड़ेंगे और फोड़ेंगे, इसके लिए चाहे हमें गोली क्यों ना खानी पड़े, इसके लिए चाहे हमें संघर्ष क्यों ना करना पड़े। सर, मेरा मोदी जी से ये सवाल है कि जिस देश ने ईवीएम को बनाया और जिस देश ने ईवीएम को अनेक देशों में भेजा, 8-9 देशों में भेजा, तो वहाँ बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है और बनाने वाला देश भी बैलेट पेपर से चुनाव करता है, तो मोदी जी को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी बिल्कुल, अलग अलग राय है, लेकिन लोगों का रुख जो है वो ईवीएम को लेकर है। यहाँ पर हमारे कुछ साथी है, उनसे भी हम बात करेंगे। मोदी जी को अगर आपको सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या सवाल पूछेंगे? मोदी जी से हम कई बार सवाल उठाते हैं भाई चुनाव करो, तो मोदी जी हमारे को 2-3 बार बामन मेसरान में जवाब दिए, बोला तो बता रहा डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो मैं मोदी जी से यह डिजिटल इंडिया बन रहा है, अभी तक भारत चांद में जाने के लिए बात कर रहा है, जापान, फ्रांस, इटली, तुर्की, न्यूजीलैंड, यहाँ पे इंडिया चांद में पहुंच गई है और इंडिया चांद में जाने के लिए बात कर रहा है कि हम चांद पे जाना चाहते हैं, और जापान, फ्रांस, इटली, तुर्की, न्यूजीलैंड ये चांद पे पहुंच गई, वहां पर आज बैलेट पेपर में चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में जाने के लिए बैलेट पेपर में क्या दिक्कत है? हमारे यही सवाल है। ईवीएम को लेकर ही आपका सवाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी वही कहूँगा कि अगर जो देश ईवीएम को बनाया है वह ईवीएम का यूज़ नहीं करता है, लेकिन भारत और सारे जितने भारत में दल हैं, संगठन जो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, सारे संगठन एक ही सवाल किया है कि ईवीएम में बहुत सारी परेशानी हो रही है, आपके जो भी इलेक्ट्रिक में उसको हैक कर लिया रहा है, इसका भी हैक हो रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं बैन कर रहे? सब एक स्वर मिला कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट बुलाओ, फिर भी मोदी जी को क्या दिक्कत है या क्या इससे फायदा है जो ईवीएम नहीं हटा रहे हैं और ईवीएम पे ही कायम है? जी, ईवीएम को लेकर ही लोगों का कहना है कि ईवीएम क्यों नहीं हटाई जा रही है। और हमारे साथ और भी कुछ साथी है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम रहा आपका? सुनील कुमार। आपने टी शर्ट भी पहना है, टी शर्ट बताइए। टी शर्ट पहना, ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर लागू करो, SC ST ओबीसी माइनॉरिटीज एकता जिंदाबाद, तो ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? आपने ईवीएम बंद करने का एक टी शर्ट पहना है। ईवीएम हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? ईवीएम से घोटाला होता है और ईवीएम से बीजेपी सरकार जीतती है और हम नहीं चाहते। कांग्रेस नहीं जीतती? कांग्रेस भी जीतती है, कांग्रेस लेके आई थी 2014 में, 4 में, हाँ 4 में। अब हम नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। जी, आपने भी टी शर्ट पहना है ईवीएम का,
जी हाँ जी सर, ईवीएम को हटाने के लिए बात करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा वोट चोरी होता है, असिस्ट हो किसी पर माइनॉरिटी जो भी वोट डालता है, अगर हमारा वोट क्यों चोरी होता है? चोरी से वोट जीतते हैं, अपना सत्ता में बैठते हैं जो, इसलिए वोट हम ईवीएम तोड़ने के लिए। जी सर, आपका क्या कहना है ईवीएम पर? सर मेरा ये कहना है कि ईवीएम एक बड़ा घोटाला करती है, जो जिसको वोट डालना है, हमारा जो अधिकार है, हमें बाबा साहब ने अधिकार लेके दिया है, वो अधिकार को ये लोग ईवीएम के जरिए छीन रहे हैं। तो हम जो लोग हैं इकट्ठा होकर, वामन मेघराम जी जो हमें कहेंगे, अगर तोड़ना पड़ा तो हम तोड़ेंगे, ईवीएम को हम नहीं चलने देंगे। जो 2014 में अपनी सरकार ईवीएम के जरिए बनाई है, अब 2019 में नहीं होना चाहिए। ईवीएम जो ऐसी मशीन है वो आसानी से हैक हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ हो वो आसानी से हैक हो सकती है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो वो साफ सुथरा और अच्छा होगा। जो देश ईवीएम बनाते हैं ना, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं, तो इससे मतलब ये इसकी विश्वसनीयता नहीं है कि इसका चुनाव जो है पारदर्शी हो, इसलिए ईवीएम खराब है। जी बिल्कुल, ईवीएम खराब है, ईवीएम को हटा देना चाहिए और चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। हमारे साथ एक और साथी है, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप? मैं टीकरी खुर्द नरेला से हूँ। कौन सा राज? दिल्ली। दिल्ली से है आप? हाँ, प्रॉपर? हाँ, नहीं प्रॉपर तो हम प्रतापगढ़ के निवासी हैं। अच्छा, ये आप क्यों लगा कर घूम रहे? मैं इन गरीबों के हाथ में शासन सत्ता देने के लिए या अपने हाथों में लेने के लिए मैं ऐसा देश बनाया हूँ, जो बाबा साहब और कांशीराम साहब का मोमेंट था उसको पूरा करने के लिए जब तक हम भेष नहीं बदलेंगे तब तक मेरा देश नहीं बदलेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि बाबा साहब और कांशीराम साहब का आंदोलन अभी भी कुछ लोग चला रहे हैं, लेकिन जैसे चाहिए उस तरीके से नहीं चलाई जा रही है शासन सत्ता। बाबा साहब ने कहा था कि गरीबों को शासन सत्ता में होना चाहिए, जो सुई समय के हवाई जहाज चला रहा है, भागीदारी उसकी होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने जो ऑपरेशन रानी के पेट का किया था, वो आज भी रानी के पेट से ही राजा पैदा हो रहा है, यानी पैसे वाले का राजा पैदा हो रहा है। और गरीबों को ये राजनीति करने वाले बीजेपी के जो 5 साल है उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के 5 साल इसने राज किया है, ये हम लोगों को और इतना नीचे धकेल दिया है कि शायद कि कभी हम लोग उस स्थान पे पहुंच पाए जहाँ कि हम आज से 10-12 साल पहले थे। और इस मामले में कम से कम कोई अगर हमारे समाज का प्रधानमंत्री आएगा तभी जाकर के वो खाना पूर्ति कर पाएगा। अगर भाजपा आ जाती है तो जैसे पहले था, संविधान के पहले था, उसी तरीके से आगे गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने का ये काम मुनवादियों ने कर रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो जरूर करके इसको लगी है कि संविधान खत्म कर दो और वोटों का अधिकार खत्म कर दो, हमारी रानी के पेट से राजा पैदा होती रहेगी। जी जी, आपका क्या नाम रहा? मोहम्मद नईम। अच्छा, आप कहाँ, मतलब क्यों आए यहाँ पर? भाई हमारा क्या कहते हैं, ये देश भाई, सब भाई बंद जितने बंधु हैं सब यहाँ पाए हैं, सब मौजूद हैं। हमारा लोग को कोई आज़ादी नहीं, आज़ादी जितनी है सब झूठी है, सब बकवास हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाँ, यहाँ हम लोग जितने सब भाई बंद इकट्ठा हुए हैं, आज यहाँ सब कागज अपना कारवा दे के आए हैं। हर घर में समस्या है, हर घर में परेशानी है, कोई घर में खाने पीने की कोई किसी को व्यवस्था नहीं है। आजाद है जो देश आजाद है। बीजेपी के 5 सालों के कार्यकाल में बहुत मुस्लिम लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, उनकी हत्याएं हुई है, तो उस पर नेट पे दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, रोज दिखाई दे रहा है। लेकिन जब उसको पता चले तब ना कि किसी के तकलीफ हो रहा है, उसके घर में बीबी होते बच्चे होते तो उसको समझ में आता, न उसके बीबी है न उसके बच्चे हैं, तो उसको क्या समझ में आएगा दूसरों का दर्द, दूसरों के बच्चे का दर्द। जो अपना कोई होता है, आज भारत के मूल निवासी को कोई दर्द समझने वाला नहीं है। ये मुट्ठी भर होकर अब सारे पर आजादी कर रहे हैं,
85% मेरे यानी कोरोना है। देश में डर का माहौल बना, हमेशा डर का माहौल बना के रखे हैं। असल आए उनके नाम होगा, मेरे नाम नहीं होगा। मैं बताता हूँ 5 साल में क्या क्या है। औजार रखने के मुझके यानी के अधिकार है ना, उनके अधिकार है। पैसा रखने के मुझके अधिकार नहीं, उनका अधिकार है। जब जमीन मुझे रखने के हमारे पास रहने का अधिकार नहीं, उनका अधिकार है। ये इसलिए कि हर देश से आए हैं ना, ये उसे नहीं कातिल हैं। आप बताइए 5 साल के कार्यकाल का अगर आपको ब्यौरा करना पड़े, उसका जैसे कहा जाता है कि सर्वे करना पड़े या उसका एनालिसिस करना पड़े, तो क्या आपको लगता है 5 साल में क्या करा है बीजेपी ने? 5 साल में बीजेपी ने हमें ये बताया कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जातिवाद, CBI, RBI, कॉलेजेस, सारी संस्थाओं का बट्टा बिठा दिया, सारी संस्था बर्बाद कर चुकी है बीजेपी। धीरे पहला प्रधानमंत्री है इस देश का, सत्ता में बने रहने का उसको इतना चस्का है कि वो खुद 5-5 सभाएं कर रहा है दिन में, खुद 5-5 सभाएं कर रहा है। अगर आपने काम किया है तो लोग आपको वैसे ही बुलाएंगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, जो स्थान होता है वो इसने बिल्कुल बट्टा बिठा दिया। इतना झूठा, किसी ने देखा उसे चाय बेचते हुए? ना उसके साथ कोई पड़ा हुआ आदमी उसके साथ का कोई है, ना किसी ने उसको स्टेशन पे देखा है, ना ही जिसने उसके साथ चौकीदार है। बता रहा हूँ ना, अब सुनिए, मैं सिक्योरिटी कंपनी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं सिक्योरिटी कंपनी में एरिया मैनेजर हूँ। मेरे नीचे कम से कम 700 आदमी है सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, यही कह रहा है वो। कभी चौकीदारों की सुध ली है? 12-12 घंटे नौकरी करते हो, महीने में 4 छुट्टी तो सभी को मिलनी चाहिए। वो साल साल भर ड्यूटी करते हो, उन्हें एक छुट्टी नहीं मिलती है। कितनी स्कीमें चौकीदारों के लिए, कितनी प्राइवेट चौकीदारों के लिए स्कीम लाया हो, कितनी स्कीमें निकाली है उसने, कितने उनको अलाउंस दिए, कितना उनको उनका पीएफ भी खा जाते हैं। जो ठेकेदार लोग हैं उनका पीएफ भी खा जाते हैं। ये करा है मोदी ने, स्थिति है चौकीदार, अभी की स्थिति है। उस चौकीदार ने करा है, चौकीदार नहीं है वो चोर है, और ये सच है, वो चोर है। जिस हिसाब से देश का इन्होंने माहौल बनाया ना पिछले 5 सालों में, दलितों के साथ और माइनॉरिटीज के साथ, पहले सीरिया, अफगानिस्तान, वहां पहले ऐसा ही हुआ था जैसा ये अभी इस देश में करता है। उसके बाद उस देश में होता है गृह युद्ध, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। गरीबों और अमीरों की खाई, पता है 85% लोगों का पैसा जब 5% लोगों के पास होगा तो क्या होगा देश को? दंगा नहीं होगा। जब लोग भूखे मरेंगे तो दंगा नहीं होगा, दूसरे घरों में घुस के चोरी चकारी नहीं करेंगे वो। अभी ये पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद जो उन्होंने स्ट्राइक किया, तो क्या ये मुद्दा चुनाव में कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए? एक बार उसने अपना काम कर दिए, एक आदमी कोई बेचारे अगर ये कोई ड्यूटी करती है अपना काम करते, मैं लगाता मैं अपना काम करता, वो सेना का काम है, उसमें इसका क्या काम? मोदी खुद बंदूक लेके जा रहा है उन्हें मारने। और एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, पुलवामा की बता देता हूँ मैं आपको, जांच हुई है कहाँ से आया आईडीएस? तुम सब तो पकड़ लेते हो, 4 बोतल भी अगर कोई फालतू लेके चले दो, तुम आईडीएस 300 किलो, उसकी जांच हुई, कोई मतलब नहीं है। देश को उलझा रखा, अलग से जातिवाद में लगे रहो। मंदिर सुनिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चोर हैं। मैं आपको सब बताऊं, इनका क्या होता है, 5 राज्य आप रखो, 4 राज्य हम रख लेंगे, अभी आप खेलो, अब हम खेलेंगे, यही हो रहा है इस देश में। मैं एक बताता हूँ, कांग्रेस का जो यूथ विंग का अध्यक्ष है ना, उसके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है। मुझे आप एक बार बताइए, काम कौन करता है? भूखा करता है, जिसका पेट भरा वो करता है काम, भूखा आदमी करता है हमेशा, इनके पेट भरे हुए यहां तक। उसको कहे को वोट देना, उसको कहे को, इनको तो सबसे निकालना चाहिए। अगर अभी भी इस इलेक्शन में भी अगर बीजेपी को वोट दिया और लोग अगर बीजेपी आ गई तो वो संविधान ही बदल देगी। गरीब आदमी, अभी आपने कहा कांग्रेस बीजेपी दोनों चोर है, और बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी के अलावा देश के पास विकल्प क्या है? भैया हर प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री, इंदिरा पे भी ऐसे कहते हैं कौन विकल्प है, क्या उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं हुए? कोई भी आता के बाद यही कहा जाता है विकल्प, अपन विकल्प निकालना। आपकी नजर में क्या विकल्प है, क्या करना चाहिए? मेरी नजर में तो सिर्फ केजरीवाल ही है जो मोदी से लड़ सकता है, जनता के लिए जो काम करा। आप सरकारी स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, जनता दिल्ली के लोगों से पूछ लो ना, आप स्कूल देख लो, हमें क्या चाहिए? पानी, बिजली, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। ये आम आदमी के मुद्दे हैं, इस पर बात करो। बेरोजगारी कितनी कम की है? पहले लोग ये जब भी कांग्रेस या बीजेपी कोई भी जब भी गवर्नमेंट आई है ना, 60 रुपए बढ़ा दिए, 300 वही तो, एक मिनट 30 रुपए बढ़ा दिए, 60 रुपए बढ़ा दिए, ये मतलब कहाँ जाएगा गरीब आदमी? उसने लड़ लड़के 14,000 रुपए मिनिमम करवाई है।
काम को वोट दो, अगर मोदी जी ने काम करा होगा तो पब्लिक उसको वोट देगी। इतना मिनिमम मिनिमम की बात तो राहुल गांधी भी अभी कर रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा, उससे पहले सोच लिया है, अब तो वो छोड़ा बांट देगा सब में। अब सच में क्या बांट देगा? मेरा सवाल है कि जैसे 15 लाख की 15 लाख की 15 लाख की जो घोषणा मोदी जी ने की थी 2014 में, इस चुनाव में 2019 के कांग्रेस तरफ से 72,000 की घोषणा हुई है कि क्या ये कांग्रेस भी जुमला बांट के वोट खरीदना चाहती है? बताता हूँ सर, इन सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आए हुए हैं और अब कांग्रेस भी भेजेगी वो भी आ जाएंगे। तो कुछ काम की जरूरत है अब? ना ना, हमें तो गवर्नमेंट ही पाल रही है, हम काम थोड़ी कर रहे हैं। कभी भी इलेक्शन आए वो हमें पूरे साल का, पूरे 5 साल का पैसा एक साथ डिपॉजिट कर देते हमारे खाते में। अगर इस देश के लोग अब भी बुद्धू बने रहे ना तो इस देश को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात फैक्ट है। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ मैं ये बात कि आप काम को वोट दो, जो आपको जो सीधा गरीब आदमी पे इफेक्ट कर रहा है उस काम को वोट दो। हमने देखे हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, केजरीवाल ने काम करा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अगर केजरीवाल भी हरामगर्दी करता उसको भगाओ, सीधी सी बात है। वो ऐसा है, इन्हें ऐसा बना रखा जैसे ये राजा हो। शीला दीक्षित जी 81 साल की औरत मेरे लिए क्या करेगी मुझे बताओ? वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी, वो क्या करेगी मेरे लिए? कांग्रेस पूरी दुनिया में घूम रही है, हमसे गठबंधन कर लो, हमसे गठबंधन कर लो, हमसे गठबंधन कर लो, दिल्ली में गठबंधन वो करनी है। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? उसकी दिक्कत क्या है कि वो आदमी ने काम करके दिखाया तो उसको हारना है, उसे जनता की चिंता नहीं है। कोई नेता नहीं करता जनता की चिंता, उन्हें पब्लिक की चिंता नहीं है। कल की मरती आज मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। आप ये बताइए ना, 81 साल की औरत मेरे लिए क्या करेगी? आप देख लो जो ये आम आदमी के, आप कहीं भी महकमे में चले जाओ, बहुत इस टाइम बहुत पारदर्शिता है, बहुत पारदर्शिता है इस टाइम। इनसे बात करेंगे एक हमारे साथी, आदिवासी का मुद्दा आपने उठाया, आदिवासी की बात की, क्या लग रहा है कि आदिवासी को भी सालों से आदिवासियों ने जंगल जमीन जायदाद बताया था, आज मोदी जी ने दस्तावेज मांग रहे हैं और कहते थे कि हम चाय बेचेंगे लेकिन देश नहीं बेचेंगे। लाल किला को 5 करोड़ में गिरवी रख दिया डालमिया को, क्या हमारे पर्यटक आए तो डालमिया से आदेश लेंगे घूमने के लिए? मोदी जी ने क्या किया? 4 एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन भी बेच दिया और 50 आदिवासी घर से बाहर निकाल रहे हैं। 12 लाख आदिवासियों को ये बीजेपी सरकार ने क्या नाम है यहाँ से उनको बाहर किया, ये देश के साथ अन्याय कर रहा है बीजेपी। सर बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं और ये मनुवादी सरकार है भाई। यहाँ ये ना ऐसा साथियों, हमारी एक अपील है यही है कि आप लोग जो हमारे मुद्दे जो सरकार लेके अगर हमारी बातें मान रही है, हमारा उसी को सीधा सीधा फंडा है कि हम उसी को सपोर्ट करेंगे। जो भी पार्टियां हैं अगर हमारे विरोध में जो फंडा ले रहे हैं ऐसी पार्टियों को उनके पिछवाड़े पे लात मार के उनको खदेड़ देना है जी। बिल्कुल धन्यवाद आपसे का जिन्होंने भी हमसे बात की। आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जो यहाँ पर 2 अप्रैल भारत बंद स्मरण दिवस और साथ में ही शहादत दिवस मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम में आज बहुजन एजेंडा 2019 भी तय किया जाएगा, उसकी घोषणा भी यहाँ से होगी और साथ में ही ईवीएम के विरोध में जो जनभावना है उसको लेकर भी एक बड़े आंदोलन की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं संकेत, नई दिल्ली।